राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया। के लिए आर्मी में जाइएगा, आपको एक रुपया पेंशन नहीं मिलेगा। नेता लोग एक साल के लिए बनेंगे विधायक, उन्हें पेंशन दिया जाएगा। हम तो देश की सेवा के बारे में सोच रहे हैं सर, लेकिन सरकार हम लोग के बारे में नहीं सोच पा रही है सर। 6-7 पहले रेगुलर दौड़िए, उसके बाद पूरा मेहनत कीजिए, उसके बाद 4 साल में जाकर क्या करेगा सर? पढ़ाई मेरा 4 साल से रिश्ता टूट जाएगा, पढ़ने में भी हम उस काबिल नहीं रहेंगे जो इस समय है, और उसके बाद आने के बाद हम कहीं जा नहीं सकते, कोई जॉब मिलने में बहुत कठिनाई होगा। उससे अच्छा अगर जो लड़का आर्मी की तैयारी कर रहा है, अगर 4 साल अगर बढ़िया से पढ़ लेगा तो दरोगा यूपीएससी निकाल के, सबसे बड़ी बात है कि दरोगा में सर्जेंट मारेगा। 4 साल का जॉब करेंगे, फिर घर वाले को जो उम्मीद है वो कहाँ से हम कर पाएंगे। और तो हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर बैचमैन जिसका एज खत्म हो गया, तो एज रिलैक्सेशन भी देना चाहिए। 2 साल से एग्जाम रुका हुआ है और अभी तक नहीं, सरकार बोल रही है कि अब हम टीओडी से लेंगे, तो हम लोग जिन्हें एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा? छूट मिलना चाहिए हम लोगों का। सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोग के साथ पबजी की तरह गेम खेल रहा है। 4 साल जॉब करके अगर युवा अगर फिर से वापस चला आए फिर से ग्राउंड में, तो फिर उससे शर्मनाक कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाज़रीन, मेरी स्क्रीन पे आपको इस वक्त एक एहतजाज की तस्वीर दिख रही होगी, तो आप ये गुमान कर रहे होंगे कि कहीं आज जुमे का दिन तो नहीं है और कहीं ये मुसलमानों ने फिर से नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ तो एहतजाज नहीं किया। नाज़रीन, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आपकी ग़लत फहमी है, क्योंकि आज जिस तरह का एहतजाज बिहार से लेके हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी से होते हुए आज दिल्ली तक पहुंच गया है, उसकी वजह मैं बताने से पहले आपको पिछले 2 दिन कबल की एक बात बताना चाहता हूं। शायद आपने वो सुनी भी होगी कि जिस तरह से मरकज़ी सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है फौज में भर्ती होने के लिए, और इसका नाम अग्निपथ रखा गया है। अग्निपथ ऐसा लगता है कि यहाँ रोज़गार की जो तलाश में नौजवान थे उन्होंने इस अग्निपथ स्कीम को ही अग्नि के हवाले कर दिया, क्योंकि जिस तरह की खबरें लगातार आज मुल्क भर से आ रही हैं, जिस तरह के आज हालात मुल्क में पैदा हो रहे हैं, और आज जिस तरह का एहतजाज आज नौजवानों ने किया कि उन्होंने देखिए, आपको मैं इस बताऊंगा वीडियोस के किस तरह से वहाँ पे ट्रेनों को आग लगा दी गई, किस तरह से बीजेपी के दफ्तरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई और बीजेपी के दफ्तरों को आग लगा दी गई, कई जगह पर पुलिस के गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया गया, कई जगह संगबारी की इत्तलात हैं, कई जगह से पुलिस वालों के ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं, मगर ये इत्तला कहीं से भी नहीं आई कि कहीं भी पुलिस ने एक गोली चला दी। क्योंकि पिछले 4-5 दिन पहले का मैं आपको एक थोड़ा सा वाक़या रांची का याद दिलाते हुए चलूं कि जिस तरह से जब मुसलमान नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा था और एक लड़का 16 साल का जिसने सिर्फ इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाए, तो उसके सर में गोली मार दी गई, मगर आज इतनी बर्बरियत आज जो हुई है, आज जो एहतजाज हुआ है, उसके बाद भी पुलिस ने एक गोली का इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत अहम सवाल है। ठीक है, इस बात को थोड़ी देर के लिए बाजू रखते हैं और जो आज की जो हालात है उसके ऊपर मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। तो जो मरकज़ी सरकार ने 2 दिन कबल बड़ी शान और शौकत के साथ एक नई स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम अग्निपथ रखा गया, अग्निपथ एक फ़ौज में भर्ती के लिए स्कीम बनाई गई और जिसका राजनाथ सिंह ने बड़ी ज़ोर शोर से टीवी पे आके उसका प्रमोशन किया और इसमें यह बताने की कोशिश की कि देखिए हम किस तरह से हमारे वीर जवानों के लिए एक भर्ती की स्कीम लाए हैं, ये हमारे वीर नौजवान जो अग्निपथ से गुजर कर अग्निपथ की ट्रेनिंग हासिल कर किस तरह से हमारे देश की रक्षा करेंगे। मगर इसके बाद जो इस स्कीम के जैसे जैसे खुलासे होते गए उस तरह से लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। कहा यह जा रहा है इस स्कीम में आपको भर्ती होने के लिए आपकी उम्र 17 साल से सिर्फ 21 साल तक होनी चाहिए, उसके बाद आपको 4 साल
आपकी मेहनत व मशक्क़त के बाद, चार साल की ट्रेनिंग करने के बाद आपको चार साल दूर दूर बॉर्डरों पे भेजा जाएगा, और सिर्फ आपकी ये जो मुद्दत रहेगी, आपकी ये जो नौकरी की मुद्दत रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ चार साल रहेगी, और उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ना फिर उसके बाद आपको कोई पेंशन मिलेगी, ना फिर उसके बाद आपको कोई भी जो फ़ौज में भर्ती जो फौज से जब रिटायर होते हैं लोग, तो उनको जो पेंशन वगैरह मिलता है वो भी नहीं दिया जाएगा। तो इस किस्म का, इस तरह से मजाक किया गया, जो नौजवान पहले से ही रोज़गार की तलाश में मारे मार फिर रहे थे, जो रोज़गार अपने रोज़गारों को लेके परेशान थे, उनके साथ इतना भद्दा मजाक आज हमारी मरकज़ी हुकूमत ने किया। तो जो नौजवान है जिनका गुस्सा पहले ही इस कदर अपने उरूज पर पहुँच चुका था, क्योंकि आपने जिस तरह से देखा कि 75,000 रेलवे से नौकरियाँ निकाल दी गई, LIC को प्राइवेटाइज कर दिया गया, रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया, और इस तरह से कई जो एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया, तो इसमें जितनी भी नौकरी थी पहले ही वो लोग अपनी नौकरियों से महरूम हो चुके हैं, और उसके बाद आज जो इनके साथ जो मजाक किया गया, उसके बाद इनके गुस्से की इंतहा अपने उरूज पर पहुंच गई और ये लोग सड़कों पे निकल आए। बिहार से जो शुरुआत हुई थी इस एहतजाज की, आज वो चारों तरफ अपने मुल्क में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे राजस्थान ले लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए। मैं आपको इस आगे की तफसील बताने से पहले, ये जो इनके जो जज्बात हैं आजकल की जो नौजवानों के जो आज एहतजाज कर रहे हैं, इनके कुछ वीडियोस आपकी नज़र करना चाहता हूं। आप ये पहले वीडियोस देखिए। अच्छा सैनिक बनने में 4 साल का वक्त लगता है, सेना मसीह थोड़ी ना ऐसा, इधर से घुसा है उधर से सैनिक निकाल दिए। हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ कर वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम अपनी जान दे देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पेंशन तो। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक, अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नहीं बात माने, हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल, हम मर जाएंगे। हम मरे हुए समान है, हमारी सांसें छीन ली गई है, छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है भारत सरकार के इस फैसले। उनका पैसा कटी है, जिस देश का सेना सुरक्षित नहीं है, जिस देश का युवा सुरक्षित नहीं, वो देश के भाड़ में जाएगा। ये लोग तो ऑलरेडी पहले के सब इनको क्या पता कि मेहनत क्या होता है। मेहनत देखना है तो सुबह गांव के फील्ड में जाइए, वहां समझ में आएगा कि युवा कैसे मेहनत करता है। एगो मिडिल क्लास के माँ बाप कितने उम्मीद लेके एक बच्चे को पढ़ा के फौज में कितना मेहनत से भेजते हैं, अपना खून पसीने का कमाई लगा के वो लोग फौज में भेजने का सपना देखते हैं। इन लोग का जो मर्जी वो कानून बना देगा, देश किसी के बाप का नहीं है। जितना अधिकार इन मोदी का है, जोगी का, जिसका भी है, उससे अधिकार बामे है, और हम इस देश के हैं। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमें यह आंदोलन सड़क पर हम लोग इसलिए उतरे हैं सर कि आर्मी एयरफोर्स नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड है, घर का परिवार का है, कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, बाप माता पिता का सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे, 4 साल बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं, इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ लोग जागरूक है, इससे ये गलत है। हमारे लाइफ के साथ तो खिलवाड़ हो गया 4 साल का, ठीक है। तो हमारा मांग ये है कि TOD लागू नहीं होना चाहिए, और जिन लड़कों का एग्जाम पेंडिंग है उनका एग्जाम अपीयर होना चाहिए पुराने प्रोसेस से। TOD का बात जहां तक है आप उसका समर्थन करवाइए, उसके बाद लागू करिए। किस नेता मंत्री का लड़का जाता है फौज में? हम लोग जाते हैं फौज में, हमसे पूछा एक बार भी कि हाँ तुम लोगों को TOD लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और चीज़ों के लिए 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ का बजट है, और सेना के लिए बजट नहीं है कि आप उसमें कटौती कर रहे हैं 4 साल के लिए। हमारा मांग यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग का एग्जाम अपीयर हो, जो भी इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम 50,000 बच्चे हैं जिनका एग्जाम पेंडिंग है, और फिजिकल में तो लाखों की संख्या में है लोग, लाखों की संख्या में। और आर्मी की तैयारी करने वाला जानता है, रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं वो 3 बार दौड़ता है,
कोई अगर है माइकल लाल तो आर्मी का दौर निकाल के दिखाए। पिछली बार हमेशा आर्मी की बहाली रैली लिया जाता था, उसी प्रकार से लिया जाए, टीओडी को वापस किया जाए और पुरानी फिजिकल जो फिट है उस लोग का एग्जाम लिया जाए, जो पहले से फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, उस लोग का एग्जाम फिर से लिया जाए और पुरानी भर्ती फिर से चालू की जाए। टीओडी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। टीओडी 4 साल के लिए कोई आर्मी बंदा नहीं जा, देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है वो अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रत आरक्षण दिए हैं उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा, अब ये बायलेटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, इधर इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग जो जितने भी लोग हैं उसको आउट कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बसों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वैंडलिज्म करा जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब आप लोग यहां पर देख सकते हैं एक शख्स यहां पर सेल्फी ले रहा है और यही नहीं कई जगह आग लगा दी गई। ये बीजेपी का ऑफिस है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं बीजेपी के ऑफिस को जला के राख कर दिया गया, अपने चेहरे के ऊपर नकाब बांधे ये लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर भी बरसाए। एक गोदी मीडिया का एंकर कह रहा था अपने न्यूज चैनल के ऊपर कि सिर्फ जुमे की नमाज के बाद पत्थर क्यों चलते हैं, जिस वक्त ये पत्थर चले वो जुमे का दिन नहीं था बल्कि जुमेरात का दिन था। चाहे जुमे का दिन रहने दो या फिर जुमेरात का दिन रहने दो, हम हर तरह की हिंसा के खिलाफ है। तो नाज़रीन देखा आपने किस तरह से ये लोग रेलवे के बोगियों में आग लगा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर संगबारी हो रही है, किस तरह से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुसकर उसको जला रहे हैं और किस तरह से। और एक आप ये एक वीडियो भी देखिए जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए के ऊपर उन्होंने हमला किया, उनकी गाड़ी को तोड़, उनके शीशे तोड़ डाले गए और आखिर में उनको बचकर भागना पड़ा। ये भी थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। मेरे साथ हुआ, हम आ रहे थे बागी बलिया होके और 3 नंबर जो है रेलवे गुमटी, वहाँ मेरी गाड़ी आई और हमको पता नहीं था कि क्या चीज़ का भीड़ है और काहे के लिए इसे कर रहा है। अचानक गाड़ी घुसा, झंडा और बोर्ड कवर कर दिया, उसके बाद अचानक वहाँ ईंटा पत्थर सब चलाने लगा
और पूरा जो है गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है, बोली छोड़ दिया है। क्या लगता है कि आपको बीजेपी देख के इस तरह का हमला किया गया आप पे? बीजेपी का अच्छी झंडा देख के तो उसको चीर बना। तो देखा नाज़रीन आपने किस तरह से आज हमारे मुल्क की संपत्ति को, जिस तरह से करोड़ों की अमलाक जायदाद को, गवर्नमेंट की जो जायदादें होती है उनको आज तहस व नहस कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसके ज़रिए जो भारतीय जनता पार्टी एक क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी कि आने वाले 2024 के इलेक्शन से पहले जो पिछले 8 साल से बेरोज़गार नौजवानों के बीच में जो गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ नौकरियों को लेकर था, हम उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं, मगर कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो खुद उसके जाल में फंसी हुई नज़र आ रही है। आज सारी भारतीय जनता पार्टी परेशान है और छोटे वीडियोज़ और ऐसी चीज़ों के ज़रिए मीडिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जो इनकी पालतू जो मीडिया है उसके ज़रिए बताने की कोशिश की जा रही है कि दिन में भर्ती होने के लिए हमने जो स्कीम निकाली वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस तरह के उन्होंने अब एक एडवर्टाइजमेंट बना के अपने टीवी चैनलों के ज़रिए इसकी तशहीर करना शुरू कर दी है कि ये जो स्कीम है नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है, मगर आजकल के नौजवानों को बेखौफ बनाना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ सकता है कि अगर सिर्फ़ वो इतनी सख्त मेहनत व मशक्क़त के बाद अगर सिर्फ़ 4 साल की नौकरी उसको मिलेगी तो उसके बाद उसका मुस्तकबिल क्या होगा, उसके बाद उसको कौन से महकमे में नौकरी दी जाएगी, ये किसी सरकार ने आज तक नहीं कहा। हालांकि कुछ सरकारों ने ये कहा कि हम जैसे ही ये लोग अग्निपथ हमारे जो अग्नि हीरोज़ हैं इन ये जैसे ही अपने फ़ौज की नौकरी से सबदोश होंगे तो हम इनको फौरन से नौकरी दे देंगे, मगर ये सिर्फ कहा और सुनी बातें हैं, ऐसा आज तक किसी ने लिख कर नहीं दिया कि हम जो जितने भी लोग अग्निपथ में जो शामिल होना चाहते हैं वो अगर जैसे ही इन वो रिटायर होंगे तो हम इनको नौकरी देंगे। आज के नौजवानों में जो गम व गुस्सा आज जाहिर हुआ है वो देखने के काबिल है, जो क्योंकि जिस तरह से 8 साल से इनके दिलों में जो लावा पक रहा था बेरोज़गारी को लेकर, अपने मुस्तकबिल को लेकर, आज वो कहीं ना कहीं फूटता हुआ नज़र आया और इसी के चक्कर में आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही पशेमानी का शिकार है और मुख्तलिफ़ ज़राए से और अपने पालतुओं के ज़रिए से ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम आपका भला चाहते हैं, मगर अगर आप यहाँ के नौजवानों का भला चाहते तो आप इस तरह से भद्दा मजाक ना करते कि 4 साल के लिए आप नौकरी इतनी मेहनत व मशक्क़त के बाद करिए, फिर आपको 4 साल के बाद बाजू कर दिया जाएगा। ये एक बहुत अहम मुद्दा आज जो मुल्क में उठकर आया है, इस पे तमाम नौजवानों को सोचने की ज़रूरत है, जो आज तक सिर्फ मंदिर मस्जिद करा करते थे और जो आज तक सिर्फ नफ़रत की दीवारें बांटने का जो काम इनके बीच में मीडिया हाउस करते थे, आज इन नौजवानों को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से इनके ये जो असल मुद्दे हैं जिसके ऊपर ये आज एहतजाज कर रहे हैं, इन्हीं का ध्यान हटाने के लिए आज तक हमारी सरकार ने तमाम हिंदू मुसलमानों के मुद्दों को उठाया था। शुक्रिया।